नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर नगर के विद्यालय पुरुषोत्तम शरण राममूर्ति सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षा फल 2023-24 का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें कक्षा 6 से सलोनी ने प्रथम, वंश ने द्वितीय, दिव्यांश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 7 में दीपिका ने प्रथम, दीपिका ने द्वितीय स्थान व ऋषिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 8 में हिमांशी ने प्रथम स्थान, अंशिका गौड़ ने द्वितीय स्थान, वैष्णवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 9 में नीलम ने प्रथम स्थान, जिया प्रकाश ने द्वितीय स्थान, संजू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 11 में पल्लवी ने प्रथम स्थान, प्रिया ने द्वितीय स्थान व खुशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इनोवेट क्लब आस्था के अध्यक्ष डोली अग्रवाल, विद्यालय के प्रबंधिका दीपाली अग्रवाल, अध्यक्षा रेणु अग्रवाल, प्रधानाचार्य अंकिता शर्मा, नेहा रस्तोगी, अंकित चौहान, अशोक कुमार, उमा, नीतू, आंचल, एल्बर्ट आदि मौजूद रहे। राममूर्ति सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज में 2023-24 का परीक्षा फल वितरण किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। यानी जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजिशन गेन की है, उन्हें हमने सम्मानित किया है। और इसी के साथ उन बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि वो बच्चे और आगे जाएं और टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम उजागर करें, रोशन करें। और इसी कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में उपस्थित इनर व्हील क्लब आस्था की जो मेंबर हैं, प्रेसिडेंट श्रीमती डॉली अग्रवाल और जितने भी सदस्यगण हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय के बच्चों को और हमारे विद्यालय के लिए भी एक प्रोजेक्ट का भी आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए एक सीलिंग फैन बच्चों को दिया है, जिससे कि बच्चे उस गर्मी के मौसम से जूझते हुए, यानी उस गर्मी से निकलकर उस पंखे की हवा में उसका आनंद ले सके। और अधिक प्रयोग, यानी पूरे सेशन में हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि कला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, मटकी सज्जा, उन सभी के लिए भी हमारे विद्यालय के जो कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन बच्चों को गौरवान्वित किया, जिससे कि वो आगे बढ़ें और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और इसी कार्यक्रम को समाप्ति की ओर करते हुए अब मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप समय समय पर हमारे विद्यालय में आते हैं, हिंदुस्तान समाचार पत्र। और अर्शद जी, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे बच्चों की फ़ोटो वगैरह अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाकर हमें, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका नाम पूरे हसनपुर में रोशन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।